हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज से हम अपनी नेक्स्ट यूनिट यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 4 डालना है। एमएस पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो एमएस पावर पॉइंट हमारी अगस्त महीने में जो है स्टार्ट कर रखी है, जहाँ पे टॉपिक है रिवीजन ऑफ क्लास 9th। उसके बाद जो एमएस पावर पॉइंट है वो सारा सितंबर में है, इतना ठीक है। तो आज जो है हम ये वाला टॉपिक करेंगे अपना, रिवीजन ऑफ क्लास 9th। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, वीडियो तो देखेंगे सभी पूरी क्लास, लेकिन आज जो लिखने का काम होगा वो मैं कौन सा भेजूँगा, 9th क्लास वाला, ताकि जो ये चार बच्चे नए हैं ये लिख सकें। सिर्फ इनको लिखना है आज, पुराने वाले नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्होंने 9th की कॉपी में लिख रखा है। लेकिन कई हमारे पास ऐसे मूर्ख बच्चे हैं जो कि ये वीडियो नहीं देखेंगे और सीधा लिखना शुरू कर देंगे, इसलिए आज पता लग जाएगा कि कौन वीडियो देखता है कौन नहीं। क्योंकि जो वीडियो नहीं देखेगा उसको ये पता ही नहीं होगा कि सर ने ये बोला है कि पुराने वाले बच्चों को नहीं लिखना, और वो क्या करेंगे, सीधा नोट्स आते ही लिख के और फोटो सेंड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो जरूर देखा करो, क्या पता क्या बात बताई गई हो। तो शुरू करते हैं रिवीजन ऑफ क्लास 9th। नोट्स पे चलते हैं, 9th वाले नोट्स। तो जो चार बच्चे हैं नए वो क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और ऊपर लिखेंगे यूनिट 4। पहला टॉपिक है तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू एमएस पावर पॉइंट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज ए पावरफुल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है बेटा, एक शक्तिशाली प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू तुम अपनी प्रेजेंटेशन दे सको, किसी को बात बता सको, किसी को अपनी इंफॉर्मेशन दिखा सको, ठीक है। जो तुमने सूचना एकत्रित करी है, अच्छे से बनाई है, वो ऑडियंस के सामने पेश कर सको, ठीक है। इट इज ए स्टैंडर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर। देखो हमने एमएस वर्ड कर लिया, एमएस एक्सेल कर लिया, अब कर रहे हैं एमएस पावर पॉइंट, यानी कि तीसरा सॉफ्टवेयर कर रहे हैं हम। ये किसका, ये सारे सॉफ्टवेयर किसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, और ये तीनों सॉफ्टवेयर किसके अंदर आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो ये सारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, वर्ड भी, एक्सेल भी, पावर पॉइंट भी। एमएस पावर पॉइंट यूजेस स्लाइड्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन इन एन एफिशिएंट मैनर। माइक्रोसॉफ्ट पावर के पॉइंट के अंदर हम स्लाइड्स बनाते हैं अपनी इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाने के लिए एक अच्छे तरीके से, ठीक है। वो जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफ पावर पॉइंट खोल के दिखाऊंगा तब बताऊंगा स्लाइड किसको बोलते हैं, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट इज यूज टू क्रिएट स्लाइड शोज। स्लाइड शोज क्रिएट करने के काम आता है, यानी कि कई सारी स्लाइड बनाई और फिर शो शुरू कर दिया, ग्रुप ऑफ ऑडियंस के सामने हमने स्लाइड अपनी चला दी, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लाइड शो। इट इज यूज टू शो आवर डाटा और इंफॉर्मेशन टू एन इंडिविजुअल और ग्रुप। ये किस काम आता है, जो हमारा डाटा है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, उसको किसी इंडिविजुअल यानी कि एक आदमी को, या फिर ग्रुप, या फिर चाहे कई सारे आदमी बैठे हों हमारे सामने, उनको हमारा डाटा और इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए काम आता है। वी कैन प्ले आवर स्लाइड शो ऑन प्रोजेक्टर इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। हम ऑडियंस के सामने अपनी स्लाइड शो प्ले कर सकते हैं प्रोजेक्टर के ऊपर। पावर पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज पीपीटी, ठीक है, ये जरूर याद रखना है। पावर पॉइंट को हम क्या और बोलते हैं, पीपीटी, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट पीपीटी एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट इज डॉट पीपीटी एक्स। अब चलते हैं कंपोनेंट्स पे, कंपोनेंट्स ऑफ द पावर पॉइंट विंडो, ठीक है। टाइटल बार होता है, विंडो कंट्रोल, ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, टैब्स, ग्रुप्स, बटन्स, ठीक है, जिसको इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल कॉल्ड रिबन। ये दिखाऊंगा अभी खोल के, स्टेटस बार हो गया सबसे नीचे, ठीक है। देखो ये ऊपर के जो छह हो गए, ये वाले छह, ये तो वर्ड में भी होते हैं
एक्सेल में भी थे और पावर पॉइंट में भी हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी सॉफ्टवेयर होगा उसमें ये सारे होंगे, छः, ठीक है। अब सातवां पढ़ेंगे, स्लाइड पेन। अब सबसे पहले तुमको दिखाता हूँ खोलते कैसे हैं एमएस पावर पॉइंट। सबसे पहले डेस्कटॉप पर राइट क्लिक किया, फिर न्यू पे गए, तो खोलते थे सही, हम उसको खोलते थे वर्ड और एक्सेल को, लेकिन आज हम न्यू में जाके, देखो वर्ड की फाइल बनानी हो तो हम वर्ड पे चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और हमको एक्सेल की बनानी हो तो एक्सेल की पे चले जाते थे, तो आज हमको पावर पॉइंट की बनानी है तो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा आ जाएगा, उसके बाद बैक स्पेस और अपनी फाइल का नाम लिख दो, मैं लिख देता हूँ रिवीजन, ठीक है, और बाहर लेफ्ट क्लिक कर दो। अब इसको ओपन करना है तो इसके ऊपर गए, राइट क्लिक किया और ओपन के ऊपर जाके लेफ्ट क्लिक कर दिया, ठीक है। देखो शुरू में खोलोगे तो ऐसी दिखेगी, या क्लिक में लिखा आएगा क्लिक टू एड फर्स्ट स्लाइड, वो बोल रहा है कि यहाँ बीच में माउस से लेफ्ट क्लिक कर दो अगर पहली स्लाइड जोड़नी है तो। जैसे ही तुम लेफ्ट क्लिक करोगे, देखो अभी मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा, पहली स्लाइड अपने आप जुड़गी। देखो यहाँ पे नंबर आते हैं स्लाइड के, एक नंबर स्लाइड है ये, है तो यहाँ पे टाइटल दे दो, ठीक है। टाइटल में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया वेलकम, ठीक है, और इस दूसरे वाले बॉक्स में लिख दिया जी रिप्लेस दादरी तोय, ठीक है, और फिर बाहर कहीं भी तुम क्लिक कर दो। तो देखो ये हमारी फर्स्ट बेसिक स्लाइड, सिंपल सी स्लाइड बना के दिखाई है, ज़्यादा डिजाइनिंग वगैरह तुम खुद करके देख लेना जब लैब में प्रैक्टिकल करो। तो बेटा इस एक इसको है ना, ये जो बीच में तुमको छोटा सा पेज दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्लाइड, ठीक है। तो पावर पॉइंट में हम क्या बनाते हैं, स्लाइड्स। अब चलते हैं नोट्स पे, क्या पढ़ रहे थे हम, हाँ ये देखो ये दिखा देता हूँ एक बार। देखो ये हो गया टाइटल बार। टाइटल बार में क्या होता है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट का नाम, तुम्हारी जो पावर पॉइंट की फाइल है उसका नाम क्या है रिवीजन, और सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, या तो विंडो कंट्रोल मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज करने के लिए, ये हो गया तुम्हारा ऑफिस बटन, ठीक है। मेरे में जैसे फाइल लिखा आता है क्योंकि मैं विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ, तुम अगर विंडो 7 यूज़ कर रहे होगे तो यहाँ गोल गोल बटन मिलेगा ऑफिस का। ये हो गया तुम्हारा क्विक एक्सेस टूल बार। अच्छा जैसे वर्ड में और एक्सेल में होता था, इस पूरे को जो ये ऊपर रिबन सा दिख रहा है, इससे लेके देखो ये लाइन, दोनों लाइनों के बीच में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं रिबन, ठीक है। रिबन के अंदर क्या होती है, ये टैब होती है, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, होम टैब, ठीक है, और ये होते हैं ग्रुप, क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, और किसी ग्रुप के अंदर जो कमांड होती हैं ये होती है कमांड, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि भाई जो है न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड, जैसे न्यू स्लाइड कमांड कहाँ है पेपर में आ गई, ठीक है, तो क्या लिखोगे तुम होम टैब के अंदर स्लाइड्स ग्रुप के अंदर न्यू स्लाइड कमांड, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, स्लाइड पेन होता है एक, स्लाइड पेन कंपोनेंट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीन होते हैं ये, तीनों बताऊंगा, स्लाइड पेन, आउटलाइन पेन और नोट्स पेन, ठीक है। अब चलो ये देखो बेटा, जो लेफ्ट साइड में होता है तुम्हारा स्लाइड पेन, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो ये पट्टी सी दिख रही है तुमको ये वाली, इसमें एक तो स्लाइड पेन होता है। स्लाइड पेन में क्या होगा, तुम्हारी स्लाइड को छोटा करके दिखाएगा, ठीक है, यहाँ पे सारी स्लाइड दिखाएगा। आउटलाइन पेन, देखो जैसे ये स्लाइड, यहाँ पे जाके आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे तो आउटलाइन पेन। आउटलाइन पेन में क्या होता है, जो उस स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है उसको दिखाएगा। जैसे ये दिखा रहा है कि भाई एक नंबर स्लाइड में तुमने एक तो वेलकम लिख रखा है, एक लिख रखा है जी ट्रिप्लस दादरी तोये, ठीक है। और नोट्स पेन कहाँ होता है, ये रहा नीचे, क्लिक टू ऐड नोट्स। अगर इस स्लाइड के तुमको कुछ नोट्स ऐड करने हो तो तुम यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो तीनों हो गए हैं, अब चलते हैं नोट्स पे आगे। क्रिएटिंग एंड सेविंग ए पावर पॉइंट फाइल कैसे करते हैं, क्रिएट और सेव, वो मैंने बता दिया तुमको, राइट क्लिक करके न्यू पे जाके और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सेलेक्ट करके फिर तुम्हारी फाइल बन जाती है, उसको ओपन करो, फिर अपनी स्लाइड बना लो, और फिर सेव कैसे करेंगे, सेव कैसे करते हैं, जैसे ये हमारी बन गई, ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल एस से सेव कर दिया, ठीक है, और
क्लोज कर दूंगा फिर मैं यहाँ से ऊपर से क्लोज बस। अब मेरी ये रिफाइल रिव्यूजर नाम से, इसको डबल क्लिक करके भी खोल सकते हो तुम, दो बार जल्दी जल्दी क्लिक कर दो इसके ऊपर, खुल जाएगी, देखा होगी सेव। तो ऐसे ही अपना सेव करते हैं। क्रिएटिंग टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप, स्लाइड कैसे क्रिएट करते हैं, होम टैब में स्लाइड्स ग्रुप में क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ न्यू स्लाइड बटन, ठीक है, एंड सेलेक्ट योर टाइप ऑफ स्लाइड। ये देखो जैसे नई, अब मेरे पास एक स्लाइड तो मैंने बना लिया, मेरे को नई स्लाइड, दो नंबर स्लाइड चाहिए, तो कैसे करूँगा, क्या बताया उसने, होम टैब में स्लाइड्स ग्रुप में और न्यू स्लाइड जो बटन है इसका, जो ये तीर का निशान है इस पर करेंगे तो पूछेगा तुमको कैसी स्लाइड चाहिए, ठीक है। पहली स्लाइड हमेशा कौन सी होती है, टाइटल स्लाइड, ठीक है। तो टाइटल स्लाइड तो हमारी बन चुकी, इसलिए मैं अब इस टाइप की लेता हूँ एक, जिसमें ऊपर टॉपिक लिखना हो और नीचे कुछ भी तुम अपनी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, तो ऐसे तुम्हारी दूसरी स्लाइड आ गई। इसी तरह स्लाइड ऐड करने का शॉर्टकट क्या होता है, अब मेरे को मान लो एक और स्लाइड ऐड करनी है तो क्या करूँगा, कंट्रोल एम, देखो होगी ना तीसरी स्लाइड, तो कंट्रोल एम से भी हम स्लाइड जोड़ सकते हैं। आगे चलो, अब चेंजिंग लेआउट ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्लाइड, जैसे कोई स्लाइड पहले से बनी हुई उसकी, उसका लेआउट चेंज करना क्या होता है, देखो जैसे अब ये स्लाइड किस टाइप की है, टाइटल स्लाइड है ना, अब मेरे उसको लेआउट चेंज करना हो तो क्या करूँगा, यहाँ से पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, एक नंबर सिलेक्ट कर लिया देखो, इसीलिए ये येलो येलो होगी, फिर लेआउट पे जाऊँ, फिर होम टैब के अंदर स्लाइड्स ग्रुप के अंदर लेआउट, ठीक है, ये किस टाइप की है, टाइटल है, मैं इसको चाहता हूँ कि ऐसी बन जाए तो इस पर क्लिक कर दूंगा, तो बन गई वैसी, बन गई ना, ऊपर ऊपर आ गया हेडिंग और ये आ गया कंटेंट। और दोबारा से इसको वैसा ही बनाना हो तो लेआउट में गए और टाइटल स्लाइड, ठीक है, इस तरह लेआउट चेंज करते हैं अपनी स्लाइड का। सेलेक्टिंग डिजाइन ऑफ स्लाइड, डिजाइन कैसे करते हैं, देखो डिजाइन टैब के अंदर थीम्स ग्रुप के अंदर सेलेक्ट योर डिजाइन, चलो चलते हैं, जैसे इस स्लाइड का हमको डिजाइन लगाना कोई पहली का, तो उसने बताया डिजाइन के अंदर, डिजाइन टैब के अंदर थीम्स ग्रुप के अंदर कोई भी कर लो, जैसे मैं इस पे दबा देता हूँ तो मेरी सारी की सारी वैसी हो जाएंगी स्लाइड, ये होता है डिजाइन, ठीक है, ये खुद प्रैक्टिकल करोगे तब समझ में आ जाएंगी, इसलिए अभी तो मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि रिविजन कर रहे हैं हम, ताकि इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा छूट ना जाए। अब एक होता है पिक्चर एंड क्लिप आर्ट, स्लाइड के अंदर पिक्चर और क्लिप आर्ट डालना, कैसे डालते हैं, इंसर्ट टैब के अंदर इमेजेस ग्रुप के अंदर पिक्चर और क्लिप आर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम चारों हमेशा इसको याद रखना कि अपनी स्लाइड के अंदर पिक्चर, कोई तस्वीर डालनी हो या क्लिप आर्ट डालनी हो तो कैसे डालते हैं, ये हमेशा याद होनी चाहिए तीन चीज, इंसर्ट टैब के अंदर इमेजेस ग्रुप और पिक्चर या क्लिप आर्ट, जो भी तुमको डालना है वो करके दिखाता हूँ अभी, जैसे ये है, ठीक है, हमारी इंसर्ट टैब कौन सी में डालना है, जैसे सेकंड है हमारे पास स्लाइड, ठीक है, सेकंड स्लाइड है मेरे पास, सेकंड स्लाइड मैंने यहाँ से सेलेक्ट करी, यहाँ पे कर्सर लेके आ गया, अब इंसर्ट टैब में इमेजेस ग्रुप में देखो ये रे पिक्चर क्लिप आर्ट, जो भी चीज़ डालनी हो, जैसे मैं क्लिप आर्ट सेलेक्ट करता हूँ, लेफ्ट क्लिक किया इसके ऊपर साइड में, ये खुल जाएगा, यहाँ पे गो दबा दो, ठीक है, जो भी तस्वीर लेनी हो, जैसे इस जो भी तस्वीर लेनी हो उस पर लेफ्ट क्लिक कर दो, लेफ्ट क्लिक किया आ गई तुम्हारी, ठीक है, अब स्लाइड के अंदर कहीं भी लेफ्ट क्लिक कर दो बाहर वाले इलाके में, ठीक है, ये है, टाइटल ऐड करना हो तो लिख दो यहाँ पे काउ, ठीक है, ये तुम्हारी, ऐसे हम क्लिप आर्ट या पिक्चर ऐड करते हैं। अब चलो आगे, व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज ऑफ स्लाइड्स, एक स्लाइड को देखने के कितने तरीके होते हैं, ठीक है, चार तरीके होते हैं बेटा, मेनली दे आर फोर टाइप्स ऑफ व्यू, नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू, इट इज द मेन व्यू वेयर यू डिजाइन एंड एडिट योर टैब, ये कौन सा व्यू है, ये वाला जो तुम्हारे सामने है अभी, ये वाला, ये वो व्यू होता है जहाँ पे हम अपनी स्लाइड को डिजाइन करते हैं या एडिट करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ पे होते हैं, ये देखो यहाँ पे होते हैं, ये जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं ना नीचे, इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार, ठीक है, स्टेटस बार में क्या क्या दिखाता है, पेजेस दिखाएगा, ठीक है, किस लैंग्वेज में काम कर रहे हो,
और यहाँ पर चार व्यू होते हैं। देखो अभी कौन सा व्यू है जिस पे येलो येलो है, नॉर्मल व्यू। फिर एक होता है स्लाइड सॉर्टर, उसमें सारी स्लाइड को जो है ऐसे दिखाएगा। देखो इस पे क्लिक कर दिया मैंने, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। ये किस लिए होता है? स्लाइड को सॉर्ट करने के लिए, यानी कि अपनी स्लाइड्स को अरेंज करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए। फिर थर्ड होता है बेटा रीडिंग व्यू। इस पे देखो क्लिक करते ही अभी दिखाएगा, ऐसे दिखा देगा। ठीक है, रीडिंग व्यू यानी कि मेन स्लाइड शो ऑडियंस को दिखाने से पहले खुद देखने के लिए कि भाई कैसी दिखेंगी। ठीक, और कीबोर्ड में जो एरो हो उससे आगे पीछे जा सकते हो तुम। जैसे वन पे आ गया और यहाँ पे लिखा भी आता है, देखो स्लाइड वन। अब मैंने कीबोर्ड में जो आगे की साइड एरो होती है उसको दबाया, 2 3। ठीक है, और इससे बाहर निकलना हो तो कैसे? अब जैसे जैसे ये दिखा रहा है रीडिंग व्यू, और एक लास्ट होता है स्लाइड शो। इसको दबाते ही पूरी फुल स्क्रीन पे आ जाएगा स्लाइड शो, जैसे ऑडियंस को दिखाते हैं। 1 नंबर, फिर अगला जो एरो होती हैं कीबोर्ड के अंदर ऊपर नीचे दाएं बाएं वाली, उससे आगे की साइड चलने के लिए एरो दबाई, 2 नंबर 3 नंबर। ख़त्म होते ही एंड ऑफ स्लाइड लिखा आ जाएगा, क्लिक टू एग्जिट। क्लिक कर दो कहीं भी, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार टाइप के व्यू होते हैं बेटा किसी भी स्लाइड को देखने के लिए। अब वापस हमको उसी पे आना हो तो यहाँ से मैं नॉर्मल व्यू पे क्लिक कर दूंगा, नॉर्मल व्यू पे आ गया। ठीक है, तो ये था बेटा रिवीजन। तो जो ये 3 पेज मैंने अभी समझाए हैं, इनको सिर्फ कौन लिखेगा? जो नए बच्चे हैं, ठीक है, चारों। और लिख के मेरे को अभी दिखाएंगे, बाकियों का बस पूरी क्लास का रिवीजन हो गया। ठीक है, तो 9th क्लास में हमने बेटा इतना ही किया था सिर्फ। ठीक है, ये 3 ही पेज किए थे। कल से अपना 10th क्लास का शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालना है? यूनिट 4। ठीक है, जो कल करेंगे बच्चे वो भी यूनिट 4 ही डालेंगे, यूनिट 4 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ओके, थैंक यू।